ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए तीन शातिर अपराधियों को एक लोडेड पिस्तल, तीन जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी लिपि सिंह ने कहा कि रिफ्यूजी चौक पर कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए अपराधियों को धर दबोचा। कल गुप्त सूचना मिली कि रिफ्यूजी चौक पे कुछ अपराधकर्मी शामिल हुए हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। त्वरित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी और जो अभी सदर थाना पदस्थापित है, सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई। वहाँ से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक आकाश कुमार यादव है, जिसमें आपको बता दें कि सहरसा की खबर है, जहां तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई हथियार भी जब्त किए गए हैं और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि रिफ्यूजी चौक पर कुछ बड़े अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे, और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सरफराज जुड़ चुके हैं। सरफराज, क्या किस घटना के तरफ इशारा कर रहे हैं पुलिस वाले, किस घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे ये अपराधी? लगातार सहरसा पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह जो है वो लगातार क्राइम मीटिंग कर रहे हैं और अपराधी घटनाओं पे रोक लगे, इसको लेकर लगातार पुलिस गश्ती भी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना के रिफ्यूजी चौक पे जो है गुप्त सूचना मिली थी कि कोई घटना के क्रम में कोई अपराधी जो है एकत्रित हुए और पुलिस वहां पे जो है गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां पे जो है गुप्त सूचना के छापेमारी क्रम में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक की अपराधी की इतिहास काफी है, जो एसपी लिपि सिंह द्वारा बताई गई है। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो सहरसा में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, कई मामलों में इनकी संलिप्तता बताई जा रही है।